हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कुछ बेसिक डेफिनेशंस को यहाँ पर सीखेंगे, उसका जो है हम आगे यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो जो पहला डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है वो और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट है। ठीक, और तीसरा जो लास्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा डेफिनेशन, वो हमारा है होलोनॉमिक सिस्टम। तो होलोनॉमिक सिस्टम क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो कहीं पर स्किप कर दिया तो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। और मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप लोगों को आगे ज़रूरत पड़ेगी जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लैग्रांजेस इक्वेशन हमारा क्या होता है, लैग्रांजेस इक्वेशन फॉर होलोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ में आता है, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लैग्रांजेस इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैग्रांजेस इक्वेशन को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा ये तीन टॉपिक जो कि आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है उसको बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करना है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। मैथ्स के वे में, मैथ्स के लैंग्वेज में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। एक्चुअली में टॉपिक फिजिक्स का है, बट मैं मैथमेटिकल वे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि जो कोऑर्डिनेट है, हमने पढ़ रखा है कि कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास जो है एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं जो है एक पार्टिकल यहां पर जो है डिस्क्राइब करता हूं। एक पार्टिकल मैं यहां पर मान लेता हूं कि वो पी है। तो मैं अगर इस P पॉइंट की बात करूं तो ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। सपोज दैट कि ये जो P पार्टिकल है यहां तक और यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है, ऐसा हम समझ के चल सकते हैं। यहां से यहां तक x है और यहां से ये जो ओरिजिन है यहां से यहां तक हमारा स्मॉल y है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x कॉमा y हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है, क्या बताता है कि किसी पार्टिकल का जो है पोजीशन बताता है ना। यानी कि अगर मैं इस जो है कोऑर्डिनेट की बात करूं, सिस्टम की बात करूं, तो ये हमारा 2D है जिसमें हमारा लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज दिखता है। समझ में आया, तो एक्स और वाई हमने मान के चला है उस चीज को। अब यहां पर क्या है, हमने एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट को बता रहे हैं कि यहां से यहां तक x डिस्टेंस पर है और ये जो पॉइंट है वो यहां से यहां तक y डिस्टेंस पर है। तो क्या बता रहा है ये x कॉमा y जो है वो बताता क्या है, इस p पार्टिकल का पोजीशन को बताता है। समझ में आया, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो इसीलिए हम जो है बताते हैं, कोऑर्डिनेट को हम स्टडी करते हैं कि किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का एट द टाइम उसकी जो पोजीशन है वो क्या होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट जर्नलाइज कोऑर्डिनेट पर भी अप्लाई होता है। जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, मैं उसको डेफिनेशन के थ्रू आप लोगों को समझाने की थोड़ा कोशिश करूंगा। सो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसी पार्टिकल के पोजिशन को बताता है। ठीक है ना, तो सेम एज जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स भी हमारा जो है पार्टिकल के पोजिशन को बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए, द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज विच डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी और मटेरियल सिस्टम, ठीक है, आर कॉल्ड द जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी और द सिस्टम। तो क्या है कि द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, कुछ हमारे पास ऐसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगे जो कि हमें ये बताएगा कि पार्टिकल या फिर किसी बॉडी का, ठीक, किसी बॉडी का या फिर किसी पार्टिकल का जो पोजिशन है वो हमारा क्या है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज के थ्रू हम जो है लिखते हैं या फिर बताते हैं, वही जो है हमारा जर्नलाइज कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, इफ एक्स बाई जेड आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑफ पार्टिकल एम ऑफ द सिस्टम। तो मैंने जैसे बात आप लोगों के साथ किया था कि एक्स और वाई जेड, एक्स और वाई प्लेन के लिए है ना, यानी कि 2D के लिए। अब मैं अगर बात करूँ 3D के लिए, तो अगर मेरे पास
एक्स वाई जेड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है। अब इन एक्स वाई जेड को हम कुछ फंक्शन के लिए उस पर्टिकुलर, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस को हम जो है कुछ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के फंक्शन के फॉर्म में अगर हम लिख दे, तो वो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसी को हम जो है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस के लिए स्मॉल x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा फाई और शाई, तो ये जो हमारे पास है थीटा फाई शाई। उसके बाद सिमिलरली y के लिए, y एक्सिस के लिए अगर y एक्सिस की बात करूं तो उसमें भी फंक्शन हो जाएगा हमारा थीटा शाई, थीटा फाई और शाई, ठीक है ना। इस प्रकार से और भी हमारे क्वांटिटीज आ सकते हैं, ठीक, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आ सकते हैं। सिमिलरली जेड के लिए भी अगर मैं बात करूं तो हो क्या रहा है, ये जो हमारे थीटा फाई और शाई है, इस प्रकार के हमारे कुछ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आएंगे और इन्हीं क्वांटिटीज को ही हम बोलते हैं जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स, ठीक, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो होता क्या है, एक्स वाई जेड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है किसी पार्टिकल एम का, ठीक, हम अगर एक पार्टिकल एम की बात करें पर्टिकुलर, ठीक है, एक पार्टिकल एम की बात करिए, पूरा पार्टिकल को मतलब शो कर रहा है कि पार्टिकल जो है ये देखने, ये जो एक्सिस है हमारे, ये एक्चुअल में है कैसा। मैं अगर बात करूँ स्पेस का, ठीक, मैं अगर स्पेस की बात करूँ तो स्पेस में अगर हम किसी भी बॉडी के जो है पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, वो थ्री डायमेंशनल होता है। कि जैसे मैं अगर बात करूँ कि एक एरोप्लेन जो है उड़ते हुए जा रही है ना, उड़ते हुए जा रही है या फिर उड़ रही है, तो उस कंडीशन में अगर मैं उस एरोप्लेन की बात करूंगा तो वो जो है हमारा उसका जो मोशन होगा ना, वो हमारा 3D मोशन होगा। और उस 3D मोशन के लिए उस एरोप्लेन का जो पोजीशन है, उस पोजीशन को मैं जो है बताने के लिए तीन डायरेक्शन को लूंगा, कौन कौन सा, एक्स वाई और जेड, ठीक। तो वैसा ही यहां पर भी है, तो जो तीन डायरेक्शन एक्स वाई जेड होगा, इसके फंक्शन को किसी जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के, सॉरी एक्स वाई जेड जो है इसको अगर मैं किसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के फंक्शन के फॉर्म में लिख दूं, तो वो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होते हैं वो हमारे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। होप कि आप लोगों को जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में समझ में अच्छे से आ गया है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारा आता है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले एक बार डेफिनेशन को पढ़ करके, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस विच द सिस्टम एडमिट्स, ठीक। चलिए पहले यहां तक हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। क्या कहा है इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किस सिस्टम का, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वो नंबर होता है जो कि उसमें इंडिपेंडेंट मोशन, जितने भी इंडिपेंडेंट मोशन होता है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ही जो है किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बताते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, मैं 3D वे में जो है स्टडी करूंगा, 3D की बात ही हम यहां पर करेंगे, तो ये जो हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये जो हमारे पास एक सिस्टम है या फिर एक पार्टिकल है, तो ये जो पार्टिकल है वो देखिए कैसे कैसे मूव कर सकता है, इंडिपेंडेंट मोशन कैसे कैसे मोशन कर सकते हैं। यहां पर हमने इंडिपेंडेंट मोशन का मतलब है कि वो अपने हिसाब से, अपने स्वेच्छा से किधर भी कहीं पर भी वो मोशन कर सकता है। तो चलिए यहां पर हम एनालाइज करते हैं कि ये पार्टिकल के लिए देखिए कहां कहां मोशन कर सकता है। एक तो एक्स एक्सिस पर मोशन कर सकता है, वाई डायरेक्शन पर मोशन कर सकता है, और जेड, सिमिलरली जेड डायरेक्शन पर भी मोशन कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो कितने हो गए, 3 मोशन हो गए। अगर 3 मोशन हुए, 3 इंडिपेंडेंट मोशन हुए, यानी कि इस पार्टिकल के लिए, तो 3 इंडिपेंडेंट जो है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। ऐसे ही जो है, मैं अगर इस पार्टिकल की और इंडिपेंडेंट मोशन कितने हो सकते हैं, देखिए पॉजिटिवली एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं एक्स की बात करूं तो ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, क्लॉकवाइज भी एक मोशन कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज एक मोशन कर सकता है, जेड डायरेक्शन में भी क्लॉकवाइज एक मोशन कर सकता है। तो कितने हो गए, और 3 हो गए, तो टोटल 3+3 6 हो गए, सॉरी 3+3 हो गए हमारे पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शंस की बात करूं, जैसे x पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, z पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे ही हमारे 6 हो गए, जिसमें x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, और अपने ही पोजिशन पर क्लॉकवाइज भी वो घूम सकता है, तो वो भी एक हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक। ऐसे ही मैं अगर बात करूं
कि ये जो है x के नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो जो है मोशन कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता। सिमिलरली y के नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये मोशन कर सकता है, कर सकता है, y डैश लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर z डैश की बात करूँ, z डैश के नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो वो अपना मोशन कर सकता है। तो कितने हो गए नेगेटिव में, नेगेटिव में भी हमारे पास 3 हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट मोशन हो गए। तो इंडिपेंडेंट मोशन अगर नेगेटिव डायरेक्शन 3 हो गया, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उतने हुए। यही तो कहा है, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। तो जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन होंगे उतने ही हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, है ना। तो देखिए सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में अगर बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी अपने पार्टिकल पोजीशन अपने पोजीशन में घूम सकता है। सिमिलरली इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी हमारे 3 हो गए। तो देखिए 3 और 3 यहां पर कितने हो गए हमारे पास 6। तो अगर मैं किसी पार्टिकल का 3D स्ट्रक्चर की बात करूं, है ना, 3D पोजीशन की बात करूं, तो उसके लिए हमारे पास 6+6 यानी कि 12 हमारे पास डिग्री इज ऑफ फ्रीडम होते हैं। समझ में आया कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो होता है जितना कोई पार्टिकल जो है इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। इंडिपेंडेंट मोशन का मतलब है कि उसमें हम बाहर से कोई रुकावट ना पैदा करें, ठीक है, वो अपने स्वेच्छा से किधर भी वो मोशन कर सकता है। तो 3D वे में अगर मैं बात करूं तो वो 12 उसमें इंडिपेंडेंट मोशन होंगे, 12, जिसमें वो अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, अपने एक्सिस के पॉजिटिव, नेगेटिव और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शामिल होता है, ठीक। तो वैसे ही हमें हम काउंट करेंगे तो 12 जो है इंडिपेंडेंट मोशन हो जाएगा। और 12 इंडिपेंडेंट मोशन का मतलब है कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, नहीं 12 हो जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, वो दोनों सिमिलरिटी रखता है। कैसे रखता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन हमारा रह गया था, द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट मोशन इज द सेम एज द नंबर ऑफ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो जितने इंडिपेंडेंट मोशंस हमारे होंगे उतने ही हमारे जो है जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। समझ में आया? तो ये समझ लीजिए कि अगर एक इंडिपेंडेंट मोशन हो रहा है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट मोशन हो रहा है तो एक जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि सिर्फ सब थीटा हो सकता है, या तो सिर्फ और सिर्फ फाई हो सकता है, फिर सिर्फ और सिर्फ शाई हो सकता है, मतलब होगा एक ही, इतने सारे नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर दो इंडिपेंडेंट मोशन हुआ तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल का 2 जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आया? होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है। अगर क्लियर हो गया है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ क्लियर हो गया है। अगर डाउट है तो वो भी आप लोग वहां पर मेंशन जरूर करें, ताकि कोशिश में ये करूंगा कि वहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल सके। अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में एक अलग से सेपरेट वीडियो डाउट के लिए डाउट सेशन में रख करके आप लोगों को सॉल्व करके समझा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं होलोनोमिक सिस्टम। अब होलोनोमिक सिस्टम क्या होता है, देखिए सिंपल से लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज्यादा इसमें डेफिनेशन पर नहीं जाऊंगा और डीपली इसके अंदर नहीं जाना है, ठीक है। होलोनोमिक सिस्टम, होलोनोमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जितने होंगे उसमें वेलोसिटी नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे हम वेलोसिटी को लिखते हैं, देखिए मैं यहां पर बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, मैं अगर थीटा डॉट लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, डी थीटा ओवर डीटी, क्योंकि मैं अगर एक बार डॉट लगा रहा हूं तो वन डिफरेंट जो है एक बार सिंगल डेरिवेटिव को शो करता है, और जो सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या शो करता है, किसी भी क्वांटिटी का वेलोसिटी शो करता है, ठीक है, वेलोसिटी शो करता है। तो इस टाइप के जो वेलोसिटी वाला है, ऐसे ही मैं अगर फाई डॉट की बात करूंगा तो डी फाई ओवर डीटी हो जाएगा, ऐसे शाई डॉट की बात करूंगा तो डी शाई ओवर डीटी हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वांटिटी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये क्वांटिटी किसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी वाला कोई भी आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी का कोई क्वांटिटी नहीं होगा। तो उस टाइप के सिस्टम को या फिर उस टाइप के जो जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है उन्हीं को हम होलोनोमिक सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक। इसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो होप कि आप लोगों को आज का जो ये टॉपिक था, 3 टॉपिक क्या क्या समझे हमने, देखिए जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एक होलोनोमिक सिस्टम हमने समझा है। तो ये जो 3 टॉपिक है इसको आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए,
ठीक है, क्योंकि कल जो है जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो हमारा है लैग्रांजीज इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो कल इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, फीडबैक आप लोगों का जो है बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए, और काफ़ी कॉन्फिडेंट गेन होता है कि जो है आप लोग कैसे कमेंट करते हैं, अगर कहीं गलत है तो वो भी आप लोग मेंशन करें, अगर कहीं सही है तो वो भी आप लोग मेंशन करें, ठीक। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर दे, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते रहे, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मेरे इस चैनल में अपलोड होते हैं और रेगुलर वीडियोज़ आते हैं, जिससे आप लोगों की स्टडी कंटिन्यू चल सकती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।